सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नोक झोंक व्लॉग्स। और अभी आप फिलहाल देख रहे हो मुझे फिर से मेरी शक्ल। और अभी मैं बैठा हूँ कहाँ, गाड़ी में बैठा हूँ ऑब्वियसली। और अभी क्या हम जा रहे हैं मसूरी, तो हम मसूरी कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा जितना हो सकता है। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं वो चाय पी रहे हैं, अभी वो वापस आएंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। और बस देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। फोटो वोटो लेने हैं बीच में, ठीक है, सब रुक गया। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है ना, आप देख सकते हो ना पीछे क्या हो रहा है। तो ये वही चल रहा है, आ जा। अब ये सब खड़े खड़े हो गए टाइटैनिक पोज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओ ये देखो तो कसम से अलग ही लगता है, पकड़ने वाला है। अब तू और कितना ऊपर जाएगा? वैसे तलमबा वहां खड़ा हो जा, कैमरा में नहीं आ रहा। एक काम कर, आधा 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 करके डाल दे उसे। हां कुछ भी नहीं किया भाई, ना चाय पिया ना जूस पिया, जूस पी। अच्छा, इसलिए तो गाइस तबीयत खराब हो चुकी है बंदे की, कुछ खा के नहीं आया। तो अभी बीच में रुके थोड़ा, अब फिर अब सब बैठ के फिर से जाने को तैयार। अब क्या पता बाहर बैठ के सामने बैठ के भी थोड़े और चक्कर वक्कर। हाँ वही तो भाई, ऐसा सीन हो गया है कि जो भी गाड़ी है ना ऊपर चढ़ नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे है गाड़ी में वजन ज्यादा हो गया है। तो अभी लोग उतरे हैं, अब भी नहीं चढ़ पा रही, चढ़ गए इन्हें उतारना पड़ गया। इन्हें उतारना पड़ गया, अब चढ़ गई है जाके, अब चढ़ेगा। हम जा रहे हैं अभी फिलहाल जॉर्ज एवरेस्ट, जो की अब 1.5 किलोमीटर दूर हो रहा है। सो गाइस हम आ चुके हैं कहाँ पे, हम आ चुके हैं जॉर्ज वेस्ट, और ये ही जॉर्ज वेस्ट है। लोगों ने काफी, हाँ जॉर्ज एवरेस्ट, सॉरी यार जॉर्ज। तो यहाँ से ऊपर जाना है, ऐसा ही कह रहे हैं कि ट्रैकिंग कर सकते हो। एक हमारा दोस्त है वो पहले उतर गया, तो उसकी अभी लगने वाली है क्योंकि वो बहुत दूर है अभी। सो गाइस अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लौती ही है दुकान, तो हमने कुछ खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। और सबने बन बटर मैंने लिया, बाकी सबने मैगी और ऑमलेट लिया, कुछ फालतू मत बोलियो। तो अभी सब खा रहे हैं, देखिए बुकड़ों की तरह। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिया है लाइट ही लिया है स्टार्टिंग में, तो ये बन बटर लिया और चाय लिया, तो अभी पीता हूँ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये देखिए यहाँ से आए, खा लिया, अब पेट भर लिया। अब ये थोड़ी सी चढ़ाई है तो ट्रैकिंग हो जाएगी छोटी मोटी सी, और ऊपर जाके फोटो वोटो लेंगे और क्या। गाइस पीछे का व्यू देखो आप कितना अच्छा है, मतलब बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हाँ बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है, रॉक्स तो हार्ड ही होती हैं। और गाइस माउंट एवरेस्ट यहाँ पे लोग आते हैं ट्रैकिंग करने, जॉर्ज एवरेस्ट, अरे वही यार जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट आते हैं लोग चढ़ाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर।
तो अभी चढ़ रहे हैं, मेरी सांस इधर फूलनी शुरू हो गई है, तो अभी चढ़ रहे हैं हम। कितना सुंदर नज़ारा है देखो, यहीं पे लोग आते हैं ट्रैकिंग करने, और पता नहीं ये झंडे भी लगा रखे हैं शायद से, होती होगी कुछ अचीवमेंट उनके लिए, नहीं मुझे नहीं पता, अपने आप से आइडिया लगा रहा हूँ। सो गाइस ऊपर देख रहे हो, मेरे दोस्त जो हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चढ़ा क्योंकि रास्ता सच में बताऊँ तो बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा, और मेरे जूतों में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, मेरे जूतों में जैसे इनके जूतों में होगी ग्रिप, और अभी एक बंदा फिसला भी था, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा भाई, मैं यहीं पे हूँ अपना सेफ। तो और हाँ एक चीज़ पूछना भूल गया, मेरे बाल बाल कट गए, तो कैसा लग रहा हूँ मैं, पहले से बेटर लग रहा हूँ या फिर पहले अच्छा लग रहा था? तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ, रास्ता भाई सच में हवा ख़राब कर देने वाला है, मैं यहीं पे हूँ। फिर क्या पीछे से ना था क्या भैया, गाड़ी निकलवा दो। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, एक तो टायर तेरे हवा में गाड़ी में निकलवा कर तुम बैठोगी, मैंने कहा तू तो मरने जा रहा, मैं तो नीचे गिरूंगा। फिर कह रहा भाई जो फिर पैसे दे दो 10,000 रुपये बैठा मैं निकाल फिलहाल आ चुके हैं कैम्प्टी फॉल, और कैम्प्टी फॉल यहाँ पे पीछे, और हम अपनी गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, आप देख सको, मतलब आपको दिखाऊंगा ना तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब गाड़ी आगे ले जाने की जगह नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं फ़ोन अंदर ले आ पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि यार गीला हो सकता है फ़ोन, वो बात अलग है वाटर प्रूफ है लेकिन गीला हो सकता है, क्यों रिस्क लेना। तो इसके बाद हम जाएंगे मसूरी जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस कैम्प्टी फॉल के झरना शुरू हो चुका है, ठीक है, और सब ने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा चेंज, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं वहीं जाके करूँगा। और अभी यहाँ देख रहे हो ना नज़ारा, तो ऐसा ही कुछ है हाल, तो ये सब जा रहे हैं नीचे, यहाँ भुट्टे काफ़ी मिल रहे हैं, मतलब भुट्टे खाने का मज़ा है अलग। हाँ सो गाइस हम नीचे जा रहे हैं फिलहाल कैम्प्टी फॉल में, जो कि कुछ उस साइड है, तो अभी चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैम्प्टी फॉल जाते हैं, मार्केट शुरू हो जाती है साइड में, आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपको इन्जॉय करना। शकल बुम बुम कहाँ जादुई सी हैरी पॉटर, अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप और भी चीज़ें यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी गेम्स हैं, छल्ले फेंक के साबुन खरीद सकते हैं और उसके अलावा हॉरर हाउस वगैरह ये सब भी है, ठीक है, हैरी पॉटर भी, यानी हैरी पॉटर की मैजिक बुक्स और मैजिक बॉक्स ये सब खरीद सकते हैं। फिलहाल चलते हैं। सो गाइज मेरा हेयर स्टाइल इग्नोर करना, हम आ चुके हैं नहा के कैम्प्टी फॉल से, वहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत ठंडा पानी था। अभी फ़िलहाल मुझे अपना सूरत जो है सही करनी है, तो एक चुटकी बजाऊंगा मेरी सूरत देखना। सो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से, ठीक है, और आपने देख लिया पहले कैसा दिख रहा था, अब कैसा दिख रहा हूँ, तो ऐसी बात है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मसूरी, कैम्प्टी फॉल हो गया, माउंट एवरेस्ट कैसा जॉर्ज एवरेस्ट जो भी है वो हो गया, और अब हम मसूरी जा रहे हैं। मसूरी के बाद देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो कहीं और जाते हैं, नहीं तो हम सीधा अपने फिर वापस देहरादून आ जाएंगे। तो अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स देखे तो ये देखना मत भूलना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अभी चलते हैं फिलहाल मसूरी, ठीक है, मैं कैसा लग रहा हूँ इस बात पे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा फालतू मत बोलना, तो इस बात पे चलते हैं आगे। सुबह हम मसूरी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ जाम लगा हुआ है क्योंकि सीज़न चल रहा है, तो दिखाता हूँ आपको जाम कितना है, ये लाइन ये लगी है और क्या क्या है। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम जो है भूख लग रही थी बहुत तेज, और अभी हम खाने बैठ गए हैं, ठीक है, और बस क्या खा रहे हैं, अभी खा के फिर चलते हैं देखते हैं। अरे अरे मतलब खाएगा ना, खाओगे ना, खाओगे ना, खाओगे ना, तो उसके बाद फिर
माल रोड पे थोड़ी गेड़िया मारता है माल रोड फिर क्या अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था माल रोड माल माल रोड पे गेड़िया मारता है ठीक है चलते हैं वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ आइसक्रीम आइसक्रीम ले रहा हूँ खाना खा लिया हमने और अब हम लाल टिब्बा कहाँ जाएगा माल रोड तो घूम लें माल रोड मॉल रोड नहीं माल रोड घूम लें और अभी हम मॉल रोड जा रहे हैं उसके बाद अभी हाँ आइसक्रीम ले हमने सॉफ्टी सॉफ्टी क्या होती है कुछ नहीं होती नहीं सॉफ्टी क्या होती है हो गई बेस्ती तो हमने सॉफ्टी लिए और अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों में धूप तो और ज़्यादा तेज लगती है तो अभी फ़िलहाल हम मॉल रोड पे घूम रहे हैं और अभी हम चर्च जाने की सोच रहे हैं यहाँ पे पास में कोई एक चर्च है वहाँ में अगर वो चर्च निकला जहाँ में जब मैं पहले आया था तो अच्छी बात है नहीं तो देखते हैं और अभी चर्च चलते हैं और फिर आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं आगे तो क्या है यहाँ पे मॉल रोड में घूम सकते हैं और क्या और पूरा व्लॉग देखा होगा आपने शुरुआत से लेकर एंड तक तो फिर यार सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है अगर आपको ज़रा सा ही मज़ा आ रहा है और बढ़ते आगे भाई यहाँ से ऊपर से है इन्होंने ऐसा बोला है कि चर्च का रास्ता ऊपर से है और यहाँ मार्केट लगी है स्प्रिंग चर्च जो है वो अभी क्लोज है तो चर्च क्लोज है तो ये प्रे कर रहा है डोर के सामने खड़े हो ठीक है गाइस देखो कितने सुंदर हैं पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता लेकिन कुछ इतने सुंदर लग रहे हैं भाई ये देखो गाइस बात है ऐसी यहाँ पे ना हद से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है बहुत लंबा जाम है ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया था कि 3 किलोमीटर के लिए 3 घंटे उसे इंतज़ार करना पड़ा नीचे जाने के लिए मसूरी से देहरादून तक और आज भी मुझे लगता है वही हाल होने वाला है क्योंकि हम इतनी नीचे पहुंच गए हम मॉल रोड पे थे और अब तक भाई साहब जाम लगा हुआ है पता नहीं कहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी करी पता नहीं यार इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर तो अभी फ़िलहाल अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना शायद से आखिरी ब्लॉग हो शायद से आखिरी ब्लॉग हो नहीं आखिरी तो क्यों होगा यहाँ का आखिरी ब्लॉग होगा तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग और इसके बाद जितने भी व्लॉग्स होंगे सारे भूमिका के साथ होंगे और हम फिर से एक साथ होने वाले हैं एक साथ व्लॉग्स आने वाले हैं तो फिलहाल चलता हूँ यार बाय गाइज़